जी नमस्ते, सभी को नमस्ते। तो आज के लिए कुमार भैया अवेलेबल नहीं है, तो मैं आज का सेशन ले रही हूँ। तो अभ्यास एक को हम लोगों ने मोर और लेस कंप्लीट कर लिया है। जस्ट उसको रिकैप करने के लिए हम लोग उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, फिर आगे जाएंगे। तो इसमें से कुछ निष्कर्ष निकल के आए थे एक्सरसाइज वन जब हमने कंप्लीट करी, तो उसमें से कुछ निष्कर्ष हम निकाल पाए, तो उनको हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे, फिर आपके क्वेश्चंस ऑब्जर्वेशंस लेंगे। यशपाल जी का हैंड रेज था, लेकिन आप फिर से रेज कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा मैं ये ब्रीफली रिकैप कर लूं, उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चंस ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं। तो एक्सरसाइज वन में, अभ्यास एक में हमने देखा कि कैसे हम स्वयं को स्वयं के द्वारा बहुत अच्छे से देख सकते हैं। मैं स्वयं, चैतन्य जो भी कहना चाहें, इसके द्वारा खुद को, स्वयं को, स्वयं में जो चल रही है कल्पनाशीलता, उसको देख पाता हूं या देख पाती हूँ। तो ये कल्पनाशीलता में क्या मेरा भाव है, क्या मेरे विचार हैं, वो सब हम देख सकते हैं। स्वयं में कौन सा सहज भाव है या नहीं है, वो भी हम देख सकते हैं। कि जो मुझे सहज स्वीकृत है, वही भाव चल रहा है मेरे में या कोई और भाव चल रहा है, ये हम देख सकते हैं। और हम ये भी देख पाते हैं कि जो जब मेरे अंदर कोई ऐसा भाव चल रहा होता है जो सहज स्वीकृत है, तो मैं उसको निरंतरता में रहने देना चाहती हूँ, मैं उससे बाहर नहीं आना चाहती। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई ऐसा भाव चल रहा है जो सहज स्वीकृत नहीं है, तो हमें वो स्वीकार नहीं होता और हम उससे बाहर आना चाहते हैं, उसकी कंटिन्यूटी हम नहीं चाहते। स्टेप थ्री में हमने देखा कि जब भी हमारा भाव सहज स्वीकृत होता है, हम आराम में होते हैं, हम सुखी होते हैं। लेकिन जब कभी हमारा भाव सहज स्वीकृति के आधार पर नहीं होता, तब हम दुखी होते हैं, तब हम आराम में नहीं होते। और स्टेप फोर में फिर हमने जब ये पूछा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस भाव के लिए, तो हमने पाया कि हम ही हैं जो 100% जिम्मेदार है इसके लिए। मुझ में क्या भाव चल रहा है, इसका निर्णय तो मैं ही लेता हूं, है ना। और ये भाव जो मैंने रखा हुआ है अपने अंदर, उस भाव के तहत मैं सुखी दुखी होता रहता हूं, तो इसलिए मैं ही पूरी तरह से 100% जिम्मेदार हूं अपने भाव के लिए, अपने सुख दुख के लिए। अब इससे दो बातें होंगी। अगर हमें ये दिख गया, हमने ये समझ लिया कि ये मेरा भाव जो है, ये तो इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, सिर्फ वर्ड्स में नहीं, हमारे जीने में आ जाएगा, तो फिर हम पाएंगे कि हम दूसरों की शिकायत करना बंद कर दें। आप देखेंगे कि आप जितनी बात पहले करते थे, शायद उससे कम कर रहे होंगे, क्योंकि आधा टाइम तो हम दूसरों की बुराई करते रहते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था, सिस्टम हमारे ठीक नहीं है, कुछ 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 चलते रहता है। लेकिन अब हम देख पाएंगे कि भाई हमारे भाव की जिम्मेदारी तो हमारी है, हम क्यों दुखी हो रहे हैं। तो हम दूसरों की शिकायत बंद कर देंगे। अब दूसरों की शिकायत बंद करी
तो फिर हमारा बात करना भी शायद कम हो जाए। बट ठीक है, हम अपने अंदर भी तो ध्यान दे रहे हैं, तो एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि हमें ये दिखेगा कि हमें जरूरत है परिमार्जन की, हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करने की जरूरत है, तो हम अंदर और ना निष्ठता से ध्यान देंगे, अपने में ये सुधार लाने के लिए हम तत्पर रहेंगे। तो ये फोर्थ स्टेप तक था, और ये स्टेप्स बहुत जल्दी जल्दी भी हो सकते हैं हमारे अंदर। 1 से 7 हमने नंबर दिए हैं, बट ये एक तरीका है, अगर हम इससे फमिलियर हो गए तो हम इनको बहुत जल्दी से कर सकते हैं। एंड एक्चुअली देखें तो स्टेप 1 और स्टेप 7 कई बार तो इतने में ही काम चल जाएगा, क्योंकि स्टेप 1 2 3 तो ऑलमोस्ट लिंक्ड हैं, एक के बाद एक जल्दी से दिख जाता है। और एक बार हमने देख लिया कि हम ही जिम्मेदार हैं, तो बार बार हमें उस क्वेश्चन पे जाने की, उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाहर किसी की जरूरत नहीं। बट कभी कभी हमें अपने आप को रिमाइंड करना पड़ता है जब हम बाहर के प्रभाव में आ जाते हैं। तो स्टेप 5 में हमने देखा कि निर्णय लेने का क्या आधार है, समझ है या मान्यता है, और हमने ये पाया कि जब समझ के आधार पर हम भाव का निर्णय करते हैं तो सहज या सही भाव का ही निर्णय करते हैं और आराम में रहते हैं। लेकिन अगर किसी मान्यता के आधार पर हम भाव का निर्णय करते हैं तो ये पक्का नहीं है कि हम आराम में रहेंगे या परेशान रहेंगे, तो इसलिए अपने में समझ होने की बहुत आवश्यकता है हर एक में, और ये हम देख सकते हैं अपने अंदर। फिर हमने स्टेप 6 में ये देखा कि कौन सा भाव हमारे लिए सहज स्वीकृत है, कौन सा भाव, अगर हमारी सही समझ हो तो कौन से भाव सही होंगे। तो हमने देखा कि संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व के भाव, यही हमारे लिए सहज स्वीकृत है। तो इससे क्लियर हुआ कि इनको समझना बहुत जरूरी है, बिना समझे हम वो भाव रख नहीं पाएंगे, कोई ना कोई मान्यता बीच में आ जाएगी। तो हमें इनको समझना है, संबंध को, व्यवस्था को, सह अस्तित्व को, और उसके बेसिस पे अपना भाव सही रखना है। और स्टेप 7 में हमने ये ट्राई किया कि हम इस क्षण क्या सही भाव रख सकते हैं या नहीं, इस क्षण हमारे में ये भाव जो सहज स्वीकृत है, संबंध का, व्यवस्था का, सह अस्तित्व का, ये हम सुनिश्चित कर सकते हैं या नहीं। अगर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं इस क्षण, तो हम ये देख पाएंगे कि हम सुखी होते हैं। और अगर हम इस क्षण सुनिश्चित कर सकते हैं तो अगले क्षण क्यों नहीं कर सकते, उसके अगले क्षण क्यों नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे कि ये तो मेरे ही जिम्मेदारी है, मेरे कंट्रोल में है, तो मुझे ये कंटिन्यूटी में रखना है, क्योंकि यही मेरी चाहना है। मैं चाहती यही हूं कि मैं हर समय सही भाव रख पाऊं और उसके साथ सुखी रह पाऊं। तो अब हम देख सकते हैं कि ये पूरे एक्सरसाइज में कैसे स्टेप 1 अपने भाव को देखना और स्टेप 7 उसको संबंध, व्यवस्था, सह अस्तित्व की लाइन में लाना, ये मेन क्रक्स है। लेकिन इसके बीच में जो मान्यताएं आती हैं उनसे बहुत गड़बड़ होती है, तो हमें उनके प्रति सजग रहना है। लेकिन ये भी एक नेचुरल अनफोल्डिंग है, अगर हम बस इतना भी ध्यान रखेंगे कि हमारी सहज स्वीकृति क्या है
और हमारा कौन सा भाव चल रहा है, लाइन में है नहीं लाइन में है, और क्या लाइन में है, क्या सहज स्वीकृत है, वो भाव हम रखें। इतना सब करते चलेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो मान्यताएं, गहरी गहरी मान्यताएं जिनके कारण ये सब गड़बड़ चल रही थी, वो दिखने लगेंगी हमको एक बहुत नेचुरल प्रोसेस में। हमें जा जा के एक एक खोद खोद के ना मान्यता ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम विचार के बेसिस पे कोशिश करते हैं। अब विचार बहुत स्थूल है, भाव उससे ज्यादा सूक्ष्म है। सो स्थूल से कभी भी सूक्ष्म देखने की कोशिश करेंगे तो नहीं दिखेगा, इसीलिए डायरेक्टली ऑब्जर्व करना जरूरी है। जब हम कहते हैं ना कि जब भी डायरेक्टली देखने जाते हैं तो आंखों पे जोर पड़ता है, क्योंकि हमारा इतना अभ्यास है बाहर देखने का कि हम शरीर के द्वारा ही देखते हैं जो भी देखते हैं, बट वो तो बहुत ग्रॉस है, बहुत स्थूल है। उससे हम ये अंदर के भाव और ज्यादा सूक्ष्म ये जो क्रियाएं हैं इनको नहीं देख सकते, तो उसके लिए हमको डायरेक्टली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कहाँ से? ऊपर के B1 ब्लॉक से, बिल्कुल ना पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन से। तो इवन दो हम अभी रियलाइजेशन तक पहुंचे नहीं हैं, इवन दो हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं चीजों को, लेकिन ये जो हमारे में सहज स्वीकृति है ये उसकी एक छोटी सी झलक है। कुछ आइडिया हमको मिलता है कि कैसा सब होगा या कैसा होना चाहिए, इसीलिए हमारी सहज स्वीकृति वही है। तो उसके आधार पर जब हम चलते हैं तो धीरे धीरे हम सही दिशा में चलते जाते हैं। वो डायरेक्ट अपने अंदर से पूछना, अपने अंदर देखना, अपने अंदर का भाव देखना, वो सब डायरेक्टली ही होना पड़ेगा। बाहर से कोई शब्दों से, कोई विचार से कुछ क्षण के लिए परहैप्स हेल्प मिल सकती है, बट उसको सस्टेन करना, उसको हर समय हर क्षण वो काम करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत स्थूल है। तो ठीक है, इस पर अगर कोई प्रश्न है, कोई ऑब्जर्वेशंस हैं तो वो अभी ले लेंगे। जी नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। आवाज क्लियर है दीदी? जी क्लियर। हाँ दीदी, अभी आप इंग्लिश सेशन में देखिए एक सवाल पूछा था, कौन रोक रहा है मुझे हैप्पी होने से? तो उसका आंसर्स मुझे मिला कि मैं खुद ही रोक रही हूँ। मुझे सुखी तो होना है बट मैं रोक रही हूँ। Yes. क्यों रोक रही हूँ मैं? क्या मतलब क्या वजह? क्या वजह तो मान्यताएं है बट क्यों मैं रोक रही हूँ? क्योंकि वो यह इतने दिनों का वो संस्कार बन गया या कोई और रीजन हो सकता है दीदी यहाँ पे? वही, बिकॉज हमने वो मान लिया ना, तो हम उसको क्वेश्चन ही नहीं करते। हमने जैसे अगर मान लिया कि ये तो भाई बाहर से हो रहा है, इसीलिए हम कंप्लेन करते ना दूसरों की, सिस्टम ऐसा है, गवर्नमेंट ये नहीं करती, वो नहीं करता, क्योंकि हमने मान लिया कि इन्हीं के कारण मैं दुखी हो रही हूँ। अब ये हमने जब मान लिया तो हम उसको कभी भी क्वेश्चन ही नहीं करते, हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा ही है, हम और दूसरा कुछ है इसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं हम एक्सप्लोर करते ना। Isn't it? Yes. तो इसीलिए तो वो मान्यता ही है। वो मान्यता किसने बनाई? मैंने ही बनाई। वो मान्यता को कैसे हटा सकते हैं? कौन हटाएगा? मैं ही हटाऊंगी, है ना? कैसे हटाऊंगी? क्या सही है, क्या एक्चुअल रियलिटी है उसको देखने की कोशिश करूंगी, तो ये मान्यता तो अपने आप हट ही जाएगी, है ना? जैसे कि अब फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए नहीं, मैं इन जनरल बोल रही हूँ, सपोजिंग हमें ये, हमने ये मान लिया कि मेरा संबंध मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके साथ में है, मेरे बच्चों के साथ में है, है ना, और किसी के साथ में मेरा संबंध नहीं, मैंने मान लिया।
चाहे मैं उसको कहूं नहीं कहूं, ये मेरा मानना है ऐसा, तो मेरे जीने में वैसा ही आएगा क्योंकि मैंने ऐसा मान रखा है। तो जब हम कहते हैं कि ना सपोजिंग मेरे हस्बैंड का या मेरी वाइफ के पेरेंट्स के साथ में है ना मेरा व्यवहार कैसा है, सिमिलर है या अलग है, अगर मेरा व्यवहार उनके लिए अलग है तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना क्यों अलग है। क्योंकि अगर मैंने ये देख लिया, एक बार मुझे दिख गया कि एज अ ह्यूमन बीइंग मेरा संबंध, सेल्फ का जो संबंध है वो हर एक दूसरे सेल्फ के साथ है, तो फिर ये मैटर नहीं करता ना कि वो मेरे पेरेंट्स हैं कि उनके पेरेंट्स हैं या किसी और के पेरेंट्स हैं या किसी और के बच्चे हैं या जो भी है ना। बाहर हमारी जिम्मेवारी अलग अलग हो सकती है लेकिन भाव तो हम सबके लिए सेम रख सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये मान लिया कि हमारा संबंध तो इन्हीं के साथ है तो हमारा भाव बदलता रहेगा और हम उसको क्वेश्चन ही नहीं करते। तो मैं ही तो अपने आप रोक रही हूँ अपने आप को, क्योंकि मैंने ये मान रखा है और मैं देखने को समझने को, मुझे ये भी नहीं लगता कि मुझे समझने की कुछ जरूरत है क्योंकि मैं समझती हूँ मुझे तो सब पता ही है ना। क्लियर है जी जी दीदी। तो जो मतलब मैंने माना है ये मेरे अपने हैं, ये पराये हैं, ये मान्यता को रिप्लेस करना है कि एक सेल्फ का संबंध तो सभी जो सेल्फ के साथ है, मेरा संबंध सभी सेल्फ के साथ है, ये मान्यता से मतलब रिप्लेस करना है, ऐसे कह सकते हैं। मीन्स हमें ये देखना पड़ेगा ना, जब हमें खुद दिख गया, अभी किसी ने कह दिया ऐसा तो हमने फिर कुछ और मान लिया है ना। अभी हमने ऐसा कह दिया कि इसको इससे रिप्लेस करना है, यही करना है मुझे, तो अब मैंने ये भी मान लिया कि मुझे ऐसा रिप्लेस करना है। लेकिन मुझे खुद देखना है डायरेक्टली, एक बार मुझे दिख गया फिर वो बदलता नहीं रहेगा। मान्यता तो बदल सकती है ना, लेकिन एक बार डायरेक्टली दिख गया फिर तो मुझे पता चल गया ना, मैं समझ गई, फिर वो बदलेगा नहीं। सो इनफैक्ट हमको एक चीज को दूसरे से रिप्लेस नहीं करना है, हमको डायरेक्टली देखना है जैसी चीजें हैं, उस जैसा पूरा एग्जिस्टेंस है वो पूरा हमको देखना है खुद के लिए। एक बार हमने देख लिया, समझ लिया, अब हमें पता है, अब कोई भी मान्यता कुछ भी कोई कह ले वो काम नहीं करेगी। क्योंकि अभी एक मान्यता हो सकती है कि भाई हमें हमारा संबंध ठीक है हर अदर सेल्फ के साथ है, लेकिन हम कंट्री को बीच में ले आए कि हमारे देश में तो ऐसा है दूसरे देश में वैसा है। अब हमें क्या है, अपना संबंध अपने देशवासियों के साथ दिख रहा है, दूसरे देश के साथ नहीं दिख रहा। तो ऐसे करके हम बाउंड्रीज लगाते जाते हैं, मान्यता के ऊपर डिपेंड करता है ना हमारी मान्यता, हमने क्या मान लिया, हम कहाँ तक वो संबंध को देख पाते हैं, उस बेसिस पे हम कोई बाउंड्री लगा देते हैं, फिर उसके बाहर हम जाते ही नहीं है क्योंकि हमें लगता है कि हमें तो पता है। तो हमें डायरेक्टली देखना पड़ेगा अपने लिए, ठीक है ना। हाँ जी दीदी जी जी बट वही कि वो देखने की जो या देखना वो नहीं हो रहा है क्योंकि योग्यता की अभी कमी है, ऐसे कहें। हाँ तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे, उसे निराश नहीं होंगे या दुखी नहीं होंगे कि हमें दिख नहीं रहा, लेकिन हम अपना प्रयास जारी रखेंगे, वो धीरे धीरे दिखेगा ही। पहले हमको विचार भी नहीं दिखते थे, विचार दिखने लगे, फिर भाव भी नहीं दिखते थे, फिर धीरे धीरे भाव भी दिखने लगे। जितना हम समय अंदर बिताएंगे, जितना हम उस पर ध्यान देंगे, उतना ही हमें दिखाई देगा, है ना। तो वही हमारा प्रयास रहेगा, फिर इवेंचुअली दिखेगा, पॉसिबिलिटी तो है।
पोटेंशियल सब में है, तो जी होगा ही। कितना टाइम लगेगा वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली सब सपने वहां पहुंचना ही है ना। जी 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 थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मैं बच्चों को कल पढ़ा रही थी, उसमें एक क्वेश्चन मेरा, जैसे आपने इंग्लिश सेशन में भी बोला कि वो मेरा, अगर मैं आपको बताऊं तो वो आप, वो क्वेश्चन मेरा सही है या नहीं, जिसमें फीलिंग्स को ऐसे बताए कि अगर हमारी फीलिंग्स में राइट अंडरस्टैंडिंग है और हमारे हम समझ रहे हैं और उसको इवेल्युएट करके ये बता रहे हैं कि जो फीलिंग्स, ह्यूमन बीइंग की फीलिंग्स है वो जब ही वैल्यूएबल हो सकती है जब वो नेचुरल को एग्जिस्ट हो सारे लेवल्स पर, यानी कि फर्स्ट लेवल मैं और खुद बॉडी में, फिर मैं और दूसरे मैं में, और मैं और फैमिली में, फिर सोसाइटी और फिर यूनिवर्स और नेचर के साथ। क्या ये मेरा आंसर सही होगा जो मैंने बच्चों को समझाया? देखिए, फीलिंग्स जो है वो राइट अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हो, ना कि अदर वे। आपने क्या कहा, कुछ ऐसा कहा कि फीलिंग के बेसिस पे राइट अंडरस्टैंडिंग, ऐसा कुछ कहा? तो मैंने कहा फीलिंग जबी वैल्यूएबल हो सकती है जब नेचुरल एक्सेप्टेबल हो, तभी वो वैल्यूएबल होगा ह्यूमन बीइंग, ये हाँ, समझाया था वो ठीक है, वो ठीक है। अब हम देखें ना कि अगर हमें दिख गया तो हमें ये दिखेगा कि भाई जो सहज स्वीकृत है वही भाव से हम सुखी रहते हैं, वही भाव से दूसरा भी सुखी होता है, तो फिर हमें उसकी वैल्यू दिखती है। अगर जे अगर हम ना गुस्से का या कोई विरोध का भाव रख के दूसरे के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो भी हमें ये भी दिखेगा कि हम अंदर से दुखी हैं। तो हम कोशिश करेंगे को हम एक ना कि वो अपने अंदर भी झांक के देखें, ये भी हम इनकरेज करेंगे, क्योंकि जब तक उनको दुखी नहीं वो तो मान के ही चलेंगे ना, जो हमने कहा वही मान के चलेंगे, फिर उनकी मान्यता बदलेगी तो फिर उनका भाव बदल जाएगा, है ना। जी जी, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने सही बताया कि हम जब तक नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं होगी मैं में, फैमिली में और राइट एक्सेप्टेंस तो है ही, हम इसमें ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, ये बात है। नेचुरल एक्सेप्टेंस तो ऑलरेडी है, सब में है, नेचर में भी है। नहीं नहीं, देखिए, नेचुरल एक्सेप्टेंस जब हम कह रहे हैं तो हम सेल्फ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि हमारे अंदर वो जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है वो भी ह्यूमन बीइंग में। एनिमल सेल्फ इतना इवॉल्व ना हो कि वो देख पाए उसको, लेकिन ह्यूमन बीइंग तो देख सकता है। तो हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में जो सेल्फ है, उस सेल्फ में इनफैक्ट जो पूरा कोएग्जिस्टेंस है उसका रिफ्लेक्शन जो है अपने अंदर, जो हाईएस्ट पॉइंट जिसको हम प्योर ऑब्जर्वर कहते हैं ना, वहां पर जो रिफ्लेक्शन है उससे हमें जो ग्लिम्प्स मिलता है उसी को हम नेचुरल एक्सेप्टेंस कह रहे हैं। तो हमें अपने अंदर देखना है, ये हम कोई भी क्वेश्चन पूछे, हम उनको ये सब बताने की भी, बताने से भी ज्यादा उनसे डायरेक्टली पूछें कि भाई आपको क्या सहज स्वीकृत है, संबंध का भाव या विरोध का भाव, वो डायरेक्टली उनका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आप कहाँ से लाए, ये अंदर से ही आया, तो ये सब में है ही, हम उस पे ध्यान देते हैं या नहीं, ये मुद्दा ये काम है। काम ये करना है कि हम उस पे ध्यान देते हैं या नहीं देते। हाँ ठीक है मैम, ओके ओके राइट।
थैंक यू मैम। थैंक यू जी। दीदी नमस्ते सभी को। नमस्ते। दीदी जैसे कल हम कुछ कुमार भैया ने पाठ दिए थे कि दिन में आधा घंटा निकाल के कुछ करें अपने लिए, जैसे 10 मिनट का सेल्फ टू सेल्फ हम देखते हैं, तो मुझे एक प्रश्न बन गया, मैंने लिख के रखा है कि ये मान्यता है या रही है अभी कि जब भी आप असमंजस में हो तो आप अपने दिल की सुनने के बजाय दिमाग की सुनो, तो इस पे थोड़ा सा मुझे डिस्कशन चाहिए आपकी तरफ से प्लीज। देखिए क्या है ना कि जब हम हमें सेल्फ का इतना पता नहीं रहता जी दीदी, तो हम हर चीज शरीर के उससे देखते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग अगर मैंने अपने आप को बॉडी मान लिया, शरीर मान लिया, तो मैं शरीर में ही सब कुछ फिट करूंगी ना। तो ऐसा है, तो जब फीलिंग ज्यादा प्रोमिनेंट होती है तो हम कहते हैं दिल की सुनो, जब हम ना कुछ लॉजिक और कुछ कैलकुलेशन और ऐसा सब की बात करते हैं तो हम कहते हैं दिमाग। तो हम सारा कुछ बॉडी में ही फिट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली तो अगर हम देखें तो सेल्फ एक अलग यूनिट है, बॉडी एक अलग यूनिट है। ये जरूर है कि जो हमारे भाव हैं एक तरह से उनका सीधा सीधा असर दिल पे पड़ता है, तो इसलिए हमने वो शायद कनेक्शन बना लिया। लेकिन ये क्लियर रखना पड़ेगा कि भाव सेल्फ में है, उसका असर हो सकता है शरीर पर, है ना, बट हम दिल से सोचे या दिमाग से सोचे ऐसा नहीं है। सोचते तो हम सेल्फ के अंदर ही है, उसका प्रभाव पड़ सकता है। जी दीदी, लेकिन ये दोनों जो चीज है, दिल या दिमाग, ये दोनों तो बॉडी के पार्ट हुए ना। वही तो गलत। हाँ 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 बोलिए। वही तो वही मैं कह रही हूँ कि सोचना तो जो मन है, जो विचार है, वो तो सेल्फ में है, बॉडी में तो है ही नहीं, लेकिन हाँ हाँ उनका जो असर पड़ता है शरीर पर, उसके बेसिस पे हमने कुछ ऐसा मान लिया कि हम तो शरीर ही हैं, तो हम बोलते हैं दिल से सोचो या दिमाग से सोचो या जो भी है ना। जब फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं तो हम कहते हैं दिल से सोचो कि अपना भाव के बारे में या जो भी है, बट हम अपने लिए क्लियर रखें कि भाई सोचना तो सेल्फ में चल रहा है, उसका प्रभाव पड़ सकता है शरीर पर। दीदी ये एकदम बिल्कुल सही बताया आपने, थोड़ा सा आपने तो क्लियर कर दिया है, लेकिन थोड़ा मुझे यहाँ क्लियर नहीं हुआ कि हमेशा जब दिल जो सोचता है वो भावनावश होकर सोचता है। दिल जो सोचता है, दिल नहीं सोचता है, मैं हाँ, सोचता हूँ मैं हाँ, तो लेकिन उसमें जो संबंध बना है, जो जो भी हम समझ रहे हैं अभी तक के अभ्यास से, कि सेल्फ सोच रहा है लेकिन जो जो भाव बन रहे हैं या जो आ रहे हैं वो अगर दिल से अगर निकल रहे हैं तो वो भावना अवश्य रहता है। फिर वही और दिमाग ने ऐसा मान लिया, ये हो सकता है मेरा गलत हो या मान्यता है, जो भी है, ऑर्गन है बॉडी के अंदर, भाव वहां से आ रहे हैं या सेल्फ से आ रहे हैं? सेल्फ से फिर दिल दिमाग और सेल्फ, ये तीन चीजें अलग अलग अपन पकड़ रहे हैं ना फिर तो। जो दिल और दिमाग है, दिल और दिमाग तो बॉडी के पार्ट्स हैं, बॉडी के पार्ट, ये तो एकदम क्लियर है, इट इज क्रिस्टल क्लियर। क्लियर है तो फिर हम विचार कहाँ करते हैं, बॉडी में करते हैं सेल्फ में करते हैं? लेकिन हमको जो फॉर एग्जाम्पल, मैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का आदमी हूँ, तो वो जो भी हमको ब्रेक लगाने, गाड़ी हमारी जो PIV थ्योरी है हमारी, परसेप्शन इंटेलेक्चुअल जो भी है, तो उसमें तो हमको जब तक ब्रेन सूचना नहीं देगा हम ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे, चाहे हमारे ब्रेक कितने देखने का सी, इसी को मान्यता बोलेंगे। हमने ये मान लिया कि शरीर में जो ब्रेन है वही सब कंट्रोल कर रहा है ना। बट ये मान्यता ही है, और ये जो एक्चुअल रियलिटी है उससे मेल खा रही है या नहीं, ये तो हम ही को देखना पड़ेगा, है ना। तो हम देखेंगे कि ये जो हम कह रहे हैं कि ब्रेन कुछ करता है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ सोचती हूँ उसका असर ब्रेन के ऊपर पड़ता है, वो ब्रेन के ऊपर असर पड़ने के, एक सेकेंड, वो ब्रेन के ऊपर असर पड़ने से
उसका फिर प्रभाव पूरे शरीर में ना जाता है। जी 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 तो अगर हमें सेल्फ का अता पता नहीं है तो हमें तो ऐसे ही लगेगा ना कि बॉडी में तो ब्रेन ही सब करता है। बॉडी में ब्रेन ही कुछ करता है? नहीं, कुछ कुछ समय ब्रेन से काम लो, बाकी समय दिल से काम लो, ऐसा ऐसी मान्यता है। फिर वो तो पूरा बॉडी हो गया ना। हाँ, बॉडी बॉडी बराबर बराबर बराबर। लेकिन सेल्फी सेल्फी तो बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है ना, मतलब सेल्फ खुश होना चाहता है। सोचेंगे कहाँ से, बॉडी से के सेल्फ से, फिर वही बात आ गई। सेल्फ से, सेल्फ से, सेल्फ से। लेकिन सेल्फ को परफॉर्मेंस जब करना है तो उसके पास दो इंस्ट्रूमेंट्स है, नंबर वन इज दिल एंड नंबर टू इज दिमाग। तो कुछ कुछ जगह उसे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ दिल से काम नहीं चलने वाला, यहाँ दिमाग से काम करो। ये क्या हमारा मानना सही है? आप उल्टा देख रहे हैं ना फिर। हाँ हाँ, वही कभी कभी मैं हमारे भैया भी के थ्रू देख रहे हैं। लेकिन ऐसा ही है क्या, सही क्या है, वो तो हम डायरेक्टली देखेंगे तो ही समझ में आएगा ना हमको। अच्छा, मतलब ये सिचुएशन स्पेसिफिक हो सकता है ना, कभी दिल को यूज करो, कभी दिमाग को यूज करो, या जो सेल बोलता है वही करो। आप फिर वही बात कर रहे हैं। वही वही बात मेरे दिमाग में बैठी हुई, इसलिए आप इसको फोकस करो, अपने अंदर देखिए। जी, एक लास्ट बार बोलूंगी, फिर उसके बाद हम ये डिस्कशन क्लोज करेंगे, क्योंकि इसको आपको डायरेक्टली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। डायरेक्टली ऑब्जर्व करना है। मैं कुछ सोचती हूँ, उसका प्रभाव मेरे शरीर के किसी किसी पार्ट्स में होता ही है। मेरा भाव क्या है, उसका असर शरीर के किसी भाग में होता ही है। मेरा विचार क्या है, उसका असर मेरे शरीर के किसी ना किसी भाग में होता ही है। जब मैं कुछ विचार करती हूँ, जब मुझे बॉडी को कुछ इंस्ट्रक्शन देना होता है, तो वो जो कम्युनिकेशन होता है उसमें ब्रेन का रोल है। लेकिन विचार तो मेरे अंदर है, इंस्ट्रक्शन तो मैं देती हूँ, और वो शरीर में उसका जो इफेक्ट है वो ब्रेन के थ्रू जाता है। तो जैसे मैंने सोचा कि मुझे अपना हाथ ऊपर उठाना है, तो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी ब्रेन को, है ना, कि मेरे को हाथ ऊपर उठाना है। फिर ब्रेन में ये इंस्ट्रक्शन गया एज इंफॉर्मेशन, तो फिर वहां से ब्रेन ने वो जो नर्व्स है उनको एक्टिवेट किया, जिससे कि वो हाथ ऊपर उठ सके बॉडी का। जी बिल्कुल, है ना। तो इंस्ट्रक्शन तो मेरा हुआ, है ना। बॉडी तो जस्ट एक टूल है जो मैं यूज कर रही हूँ। ये चीज अपने को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ना, उसमें यही। जी दीदी, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, बढ़िया बढ़िया दीदी। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम, जो मान्यताओं की बात है, मैंने कोशिश भी की थी एक दो बार। जहां मान्यताओं को हम तोड़ना शुरू करते तो वहां घबराहट होने लगती है, और घबराहट क्या करने लगते हैं, मान्यताएं जैसे छोड़ने लगते हैं, मतलब गिरने लगती हैं अपने आप और दिखने लगता है। तो ऐसा घबराहट सी होती कि मैं अकेला होता जा रहा हूँ, मतलब एक जो सहारा बना रहता ना कि हाँ मैं सेफ हूँ, ये सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, या सब लोग यहाँ रह रहे हैं तो मैं भी रह रहा हूँ, यहाँ कोई डर नहीं है, या ऐसे विचार रखेंगे तो डर नहीं है, ऐसी मान्यता रहेगी तो मैं सेफ हूँ, मतलब एक जो बहुत बना रखा है सब, उनको जब छोड़ने लगते हैं वो नेचुरल दिखने लगता है। तो वहाँ फिर ऐसा लगता है कि मैं अकेला पड़ता जा रहा हूँ, और है तो सब देख नहीं रहे हैं, फिर तो हम विचार कर रहे हैं, क्योंकि जब हम देखेंगे ना, तो जब हम देखते हैं तो हम एकदम शांत हो जाते हैं। मैम, शांति भी आती है। जो गलत मान्यता है उसको भी देखते हैं तो भी हम शांत रहते हैं, कि अब दिख गया, मान्यता ही है जी, तो उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम विचार कर रहे हैं तो हम ये घबराहट हो सकती है। विचारों में नहीं, जैसे मैं अभी अकेले में यहाँ पर पार्क में हूँ, अभी फिलहाल में पार्क में अकेले बैठ जाता हूँ। जब सबके साथ मैं योगा करता हूँ या सबके साथ रहता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैं जैसा सब कर रहे हैं वैसा मैं कर रहा हूँ। अकेले में करता हूँ तो मेरी घटनाएं, अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, विचार छूटने लगते हैं और बहुत खुशी अपार होती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से इतनी खुशियाँ आ गई और सब कुछ भर गया, अपूर्णता जो महसूस होती रहती है हमेशा वो पूर्ण हो गया। लेकिन साथ में ये भी लगता है कि मैं अकेला पड़ता जा रहा हूँ, मतलब अंदर कहीं भाव आते हैं।
वो उसको कैसे करें, उसको मैं मार्गदर्शन मांग रहा आपसे कैसे करूं मैम, क्योंकि मैं आपने बहुत सटीक बात बोली कि मान्यताओं को उसको उसके हिसाब से मुझे थोड़ा थोड़ा अब मतलब क्लियरिटी आ रही है, इसलिए थोड़ा पूछ निवेदन कर रहा हूँ मैं। देखिए क्या होता है ना कि हमारी बहुत सी मान्यताएं हैं जी ना, हमें दिख क्या वो बात एक है, जी लेकिन हमारी दो तरह की मान्यताएं हो सकती हैं। एक मान्यता ये हो सकती है कि अब जैसा हम अलग बैठ के ये सब करेंगे तो हमारी समझ बढ़ेगी तो हमें अच्छा लगेगा, एक मान्यता ये हो सकती है। दूसरी मान्यता ये हो सकती है कि अब सब लोगों के साथ में जब रहते हैं तो ना सब जो कर रहे हैं उनके साथ में मैं भी शामिल हूं, तो मैं मेरा मतलब उनके साथ कनेक्शन मुझे दिखता है या मुझे सेफ फील होता है। जी एक मान्यता ये हो सकती है कि मैं जी अलग अलग हो गया तो सबसे दूर हो गया तो अब मैं दुखी हो जाऊंगा, एक मान्यता ये हो सकती है। अब दोनों मान्यता हैं अपोजिट, जी तो कभी हम एक के बेसिस पे हमारा भाव बनता है, कभी दूसरे के बेसिस पे भाव बनता है। तो हाँ बिल्कुल, सही क्या है वो हमें डायरेक्टली देखना पड़ेगा। वही वही मैं देखो मार्गदर्शन मांग रहा, वही मार्गदर्शन मांग रहा कि मैम ऐसे में थोड़ा सा मुझे अब थोड़ा सा मार्गदर्शन दे दीजिए कैसे, क्या आगे कैसे बढ़ूंगा। हाँ, तो इसमें हम देखेंगे, हम हमें एक्चुअली दिखा नहीं हो शायद, हमारी मान्यता काम कर रही होगी, तो जी हो सकता हम उसमें देखें कि भाई हमारा भाव जो है सहज स्वीकृत है या नहीं है, इसके बेसिस पे जाएं, मान्यता के बेसिस पे ना जाएं। तो जब हम अकेले भी हैं अगर हमारा भाव कुछ गलत चल रहा है ना, जी तो अब इस क्षण मेरा भाव सहज स्वीकृत है या नहीं है ये पूछें अपने आप से, और नहीं है तो सहज स्वीकृत क्या है। और वो वो भाव जब रखेंगे अंदर जो से सहज आएगा, स्वीकृत है तो एकदम आराम में आ जाएंगे। अंदर से आएगा ये। हाँ, अंदर से सहज स्वीकृति तो अंदर से ही आती ना। आप क्वेश्चन करेंगे, जी जैसे मैंने आपको पूछा कि आपको क्या सहज स्वीकृत है, संबंध का भाव या विरोध का भाव, तो अंदर से ही आपके आंसर आता है ना। क्या आंसर आता है? हाँ वो वही आएगा संबंधी। संबंध। तो ये कहाँ से आंसर आया? ये तो अपने अंदर से ही आया ना, ये सहज स्वीकृति है। हाँ बना ही हुआ है वो, अगर उसके पास जाएंगे तो वो सत्य ही बोलेगा, असत्य बोलेगा ही वही नहीं। वही, तो वो अपने को वो सजगता रखनी है कि मेरे अंदर क्या भाव चल रहा है और सहज स्वीकृति के लाइन में है या नहीं है। जब हम ये सजगता बढ़ाते जाते हैं ना तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप आराम में आते जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरे प्रभाव, बाहरी प्रभाव पे ध्यान नहीं देना है, ये आराम की स्थिति में बाहरी रहते हैं तो। प्रभाव से तुम होता जाएगा, बाहर जो अच्छा चल रहा है वो तो चलेगा ही, जी उसको तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं अभी भी जी है ना, जी लेकिन हम उससे जो सुखी दुखी हो रहे हैं ना जी वो कम हो जाएगा, क्योंकि हाँ हमारे अंदर जो स्थिरता आ गई, क्योंकि हमारा भाव हमने सहज स्वीकृति के आधार पर रखा, बाहर के प्रभाव के ऊपर नहीं डिपेंड हुए हम। जी अभी क्या ठीक है, हम बाहर के प्रभाव के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, इसलिए वो बिल्कुल डामाडोल होता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। जब बाहर सब परिस्थिति अच्छी है तो हमारा भाव अच्छा रहता है, बाहर परिस्थिति बदल जाती है तो हमारा भाव बिगड़ जाता है जी, पकड़ में आ रहा है ना। तो अब समझ आ रहा। हमको बाहर को इतना ध्यान ना देके, बाहर भी ध्यान देंगे लेकिन जी सबसे पहले अंदर ध्यान देंगे, मेरी सहज स्वीकृति क्या है, मेरा भाव क्या है, ये लाइन में है नई लाइन में है, नई लाइन में है तो सहज स्वीकृति क्या है वैसा भाव रख के देखेंगे। जैसे ही वो भाव रखेंगे हम आराम में आ जाएंगे। तो अब दिखाई पड़ेगा कि बाहर कुछ नहीं चेंज हुआ, सिर्फ मेरा भाव सहज स्वीकृति के लाइन में आना था, और जैसे जैसे हम ये करते जाएंगे बाहर का प्रभाव हमारे ऊपर कम होता जाएगा। ठीक है ना, जी बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सरसाइज 1 यहाँ कंप्लीट हुई, और अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2, अभ्यास 2 पर। अभ्यास 2 में जो अभी हम अभी तक अभ्यास 1 में कर रहे थे वो तो कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, चैतन्य के द्वारा चैतन्य को देखना जारी रहेगा। तो जो वो 7 स्टेप्स की बात हुई है
वो कंटिन्यू रहेगा हमारा देखना, साथ ही साथ हम शरीर को भी देखेंगे, और मैं और शरीर ये दोनों के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है उसको भी देखेंगे। अगेन यहाँ पर भी स्टेप्स होंगे, 7 स्टेप्स की बात होगी, लेकिन इधर भी जो ये स्टेप्स हैं ये एक सेट ऑफ स्टेप्स हैं, ये एक तरीका है, ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभी हम इस तरीके की बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड लगाइए। तो ये जो बॉडी और सेल्फ का चार्ट है ये तो हम लोग सबको बहुत फेमिलियर होगा, हम लोग इसको देखते आ रहे हैं वर्कशॉप्स जितनी करिए हर एक में रहेगा ये, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट है। तो इसमें हमें ना जब हमने ये UHV2 वर्कशॉप करी, ऑनलाइन वर्कशॉप या जो भी हमने करा, तो उसमें हमें ये सूचना मिली कि मानव मैं और शरीर का सह अस्तित्व है, मैं एक चैतन्य इकाई हूं और शरीर एक जड़ इकाई है, और इन दोनों का जो सह अस्तित्व है वो मानव है। सह अस्तित्व क्या है ये शायद हमें क्लियर ना हो, लेकिन ये सूचना जरूर मिल गई, तो हमें वर्ड्स में तो ऐसे लगा कि हाँ समझ में आ गया, लेकिन एक्चुअली क्या है वो हमको डायरेक्टली देखना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वो बहुत स्थूल होते हैं, भाषा जो भी हम यूज करते हैं वो किसी एक जो रियलिटी है उसको इंगित करती है, तो वो जो वर्ड्स हैं उसके ऊपर बहुत फोकस ना रख के हम, ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट है, वर्ड भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके पीछे क्या रियलिटी की बात हो रही है उसको हम कोशिश करेंगे अपने अंदर देखने की। तो जैसे हमें ये सूचना मिली कि मेरी जो आवश्यकता है सुख की आवश्यकता है, और ये भाव से लिंक्ड है, तो मेरा भाव सही रहेगा तो मैं सुखी होऊंगा, ये हमने इस चार्ट से हमें सूचना मिली, और इसके लिए राइट अंडरस्टैंडिंग राइट फीलिंग, सही समझ सही भाव, इससे मेरा ना सुख सुनिश्चित होता है, ये हमने सूचना के तौर पर देखा। फिर हमने जब अभी सेल्फ की बात करी, एक्सरसाइज 1 में किया, जो पूरा एक्सरसाइज किया, उसमें हमने अपने आप में डायरेक्टली ये देखने की कोशिश करी कि जब भी मैं, मेरा भाव सहज स्वीकृत नहीं होता, तब तब मैं दुखी हो जाती हूँ, है ना, आराम में नहीं होती हूँ, और जब भी मेरा भाव सहज स्वीकृति की लाइन में होता है तब तब मैं आराम में होती हूँ। अब ये हुआ दिख जाना, जब मुझे अपना भाव ये दिखा कि अभी मेरा भाव ये है और अभी मैं आराम में हूं या नहीं हूं, तो यही बात जो हमने सूचना के तौर पर मिली थी अब हम उसको डायरेक्टली देख सकते हैं। तो हमारा फोकस यहाँ यही रहेगा कि हम अब ये जो जैसे चार्ट में हमने देखा कि जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारे क्रिया है, जो हमारा निर्वाह है, रिस्पॉन्स है, वो शरीर में और चैतन्य में बहुत अलग अलग है, ये बात हमें सूचना के तौर पर वहां मिल गई, और हम इसके बेसिस पे बहुत कुछ हो सकता है हमने मान भी लिया हो, लेकिन जब तक हमें डायरेक्टली नहीं दिखेगा अपने अंदर तब तक वो श्योरिटी नहीं रहेगी। नहीं तो जैसे अभी बात हो रही थी, हमारे अंदर बहुत सारी मान्यताएं हो सकती हैं, अलग अलग मान्यताएं जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हैं, और कभी ये मान्यता काम करती है, कभी दूसरी मान्यता काम करती है, तो हमारा भाव भी
बिगड़ता रहता है, कभी ठीक रहता है कभी बिगड़ जाता है, हम कभी सुखी हो जाते हैं कभी दुखी हो जाते हैं, और हमें समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हमने कुछ मान लिया लेकिन हमने देखा नहीं, तो हमें डायरेक्टली देखना है, और डायरेक्टली देखने के लिए हमें अपने अंदर अपनी जो सहज स्वीकृति है उसको रिफर करना है। सहज स्वीकृति सब में बनी हुई है लेकिन हमें उस पर ध्यान देना है, हमें उसको रिफर करना है। तो ये दो काम जो हमने एक्सरसाइज वन में भी करे कि हम ये देखें कि अब हमारे अंदर क्या भाव चल रहा है, सबसे पहली बात तो ये है ना। और जो भाव है वो सूक्ष्म है एज कंपेयर टू विचार, एज कंपेयर टू बॉडी, वो ज्यादा सूक्ष्म है। तो अगर हम देखें, मतलब आंखों से देखने का कोशिश कर रहे हैं तो नहीं दिखे, वो तो आंखों से जो भी देखते हैं वो स्थूल है, तो भाव तो उससे नहीं दिखेगा, भाव ज्यादा सूक्ष्म है। विचार को देखें तो विचार से कोशिश करते हैं तो विचार भी ज्यादा स्थूल है, भाव उससे सूक्ष्म है। तो भाव को देखना मतलब डायरेक्टली हमको जो प्योर ऑब्जर्वर जो हम सहज स्वीकृति बोल रहे हैं उस पॉइंट से देखना होगा, जो हाईएस्ट पॉइंट है सेल्फ में, हाईएस्ट एक्टिविटी। तो हालांकि हमारी समझ पूरी परी अभी ना बनी हो लेकिन फिर भी जो ये पूरा एग्जिस्टेंस है उसका एक रिफ्लेक्शन हम सबके अंदर बना हुआ है और उसी को हम सहज स्वीकृति बोलते हैं। तो वो सहज स्वीकृति के आधार पर हम अपने भाव को चलाएं तो हम आराम में आ सकते हैं। ये बात हमें डायरेक्टली ऑब्जर्व करी और या कोशिश करी ऑब्जर्व करने की एक्सरसाइज वन में। अब इसी तरह हमको ये जो चार्ट है इसमें जो डिफरेंसेस हमने देखे हैं या हमने जो सूचना मिली है इन डिफरेंसेस की, उसको हमको डायरेक्टली देखने का कोशिश करनी है। इस पर अभी तक जो बात हुई उस पर अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ ऑब्जर्वेशन है तो वो ले सकते हैं अभी। दीदी नमस्कार। नमस्ते दीदी। अभी जो पूर्व वक्ता कह रहे थे कि जैसे ये हार्ट जो है ये बॉडी पार्ट है, बॉडी ऑर्गन है जिसका काम है ब्लड पंप करना शरीर में, तो अब इसमें कहते हैं कि दिल से सोचो हार्ट से सोचो, तो ये सोचने का काम करता है कि आप मेडिकल फील्ड से भी हैं तो इसमें कुछ रियलिटी है कि नहीं? मुझे तो नहीं लगती है, क्योंकि सोचने का काम तो सेल्फ ही करता है और वो मेधस के थ्रू एक्टिवेट करता है, तो ये इसमें हार्ट कैसे इन्वॉल्व हो गया? क्योंकि परंपरा में भी ये शब्द बहुत उपयोग में आता है, तो इसमें व्हाट इज द रियलिटी दैट आई वांट टू नो। दैट रियलिटी वी हैव टू ट्राई टू डायरेक्टली ऑब्जर्व। लेकिन ये मतलब अगर हमें ये दिखता है कि शरीर शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उसमें से हार्ट भी है ना, ब्रेन भी है, वो सब है। जब हम सोचते हैं, जब हमारे अंदर कोई पर्टिकुलर भाव होता है, उसका असर डायरेक्टली शरीर पर पड़ेगा ही। और भाव का असर ऐसा कहा जाता है कि हार्ट के ऊपर एकदम सीधा प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए शायद ऐसा मान लिया सबने कि ऐसा सोचो वैसा सोचो। लेकिन ये बात अपने को क्लियर रखनी पड़ेगी कि सोचना कहाँ है, शरीर में है कि सेल्फ में है? सेल्फ में। सेल्फ में है, ये भी हम अपने अंदर देखें है ना, कोशिश करें कि ये भी एक और मान्यता ना बन जाए। नहीं तो एक मान्यता ये रही और दूसरी मान्यता वो हो गई कि भाई दिमाग से सोचो, नहीं ऐसे सोचो वैसे सोचो, है ना। तो कभी ये मान्यता चलेगी कभी वो मान्यता चलेगी, तो जब तक हम डायरेक्टली इसको अपने अंदर नहीं देख पाएंगे तब तक वो मान्यता चलती रहेगी। तो इसलिए हमें सीधा सीधा देखने का प्रयास करना है, यही जो अभी बात हो रही थी ना। तो हार्ट का इन्वॉल्वमेंट सोचने समझने में तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, ये बात ठीक है? हाँ, मतलब कि देखिए वो इनडायरेक्टली प्रभावित तो हो सकता है,
सोचना हो समझना हो, सोचना मींस थॉट्स के लेवल पे जो लोअर एक्टिविटीज हैं, इमेजिनेशन जो चल रहा है सेल्फ में, है ना, और समझ की जब बात आती है तो उसमें हायर एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, वो भी सेल्फ के अंदर है। ठीक है, तो सोचना समझना ये सब सेल्फ के अंदर हो रहा है, उसका प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ सकता है। हाँ, प्रभाव पड़ सकता है, ये बात ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू। ठीक है, अब हमारे पास ज्यादा ऑब्जर्वेशन के लिए समय नहीं बचा, लेकिन हम कुछ 3-4-5 मिनट ऑब्जर्व करने का कोशिश करेंगे, और कुछ प्रश्न बनते हो या कुछ ऑब्जर्वेशन हो तो उसके बाद ले लेंगे। हमें ऑब्जर्व क्या करना है, यही कि ये जो हम बोलते हैं ना आवश्यकता, मेरी आवश्यकता, शरीर की आवश्यकता, मेरे अंदर जो क्रियाएं हैं, शरीर के अंदर जो क्रियाएं हैं, इनमें जो डिफरेंस है, उसको हम अपने अंदर सीधा सीधा कोशिश करेंगे डायरेक्टली ऑब्जर्व करने की अभी कुछ मिनट के लिए, और यही हम आज का असाइनमेंट भी रखेंगे। तो अभी मैं कुछ मिनट्स के लिए म्यूट कर लेती हूँ, और फिर हम आपके ऑब्जर्वेशंस लेंगे। ठीक है, 2-4 मिनट ही हम दे पाए, 10 मिनट्स तो आज समय नहीं है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन हमें अपने अंदर जारी रखना है कि जो भी हमें ये सब इंफॉर्मेशन मिला, जो सूचना मिली, उसको हम अपने अंदर देख पा रहे हैं या नहीं, ये हम आज के लिए असाइनमेंट रखेंगे। इस पर अगर किसी को कुछ डाउट है या कुछ ऑब्जर्वेशन है तो अभी ले सकते हैं, 1 मिनट है अपने पास। ठीक है, मुझे नमस्ते सबको।